Assalamualaikum dear students, welcome to the channel Noman and Zuhair Tutorials. Continue कर रहे हैं MCQs को और number 33 है when describing the isotopes of same elements, the most accurate statement is the that they have. तो isotopes क्या होते हैं? Isotopes are the atoms of same element having the same atomic number but different mass number. तो देखना है कौन सी statement है. A में क्या है? They have same spin. तो ये कंडीशन तो नहीं है. नंबर बी क्या है? द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ये भी नहीं है. नंबर सी में है द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट. बाकी डी और ई को आप देखेंगे तो वो भी कंडीशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34. इन न्यूक्लियर रिएक्शंस वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ. न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो यानी तीनों की कंजर्वेशन होती है. डी ऑप्शन में मास, एनर्जी एंड मोमेंटम. न्यूक्लियर नंबर, चार्ज नंबर, ये सारे कंजर्व रहते हैं ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. द लाइटेस्ट एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स रेडियो एक्टिविटी. यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हीलियम. कौन सा एलिमेंट है लाइटेस्ट जो रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करता है, यानी जो रेडियो एक्टिव है. तो यानी दैट इज द थर्ड वन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ट्राइटियम. दिस इज ओनली द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज लाइटेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36. न्यूक्लियस विच द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स मे डिके रेडियो एक्टिविटी विच द इमिशन ऑफ. यानी आपको पता है कि एटम जो है वो स्टेबल कब होते हैं? जब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो मखसूस हो. तो आपको याद होना चाहिए कि हम जब ग्राफ बनाते हैं न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का n बाय p रेशो, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो बनाते हैं, तो ग्राफ जो है वो अप टू 20 एलिमेंट्स तक वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन होता है और उसके बाद वो ऐसे लाइन नहीं रहता. मतलब वो जो लाइन है जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट, वो कुछ इस तरह से ऊपर जाता है. अब याद रखें कि जो एलिमेंट्स इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर लाए करेंगे, ठीक है, तो वो स्टेबल होंगे. और जो एलिमेंट्स स्टेबिलिटी बेल्ट के या तो ऊपर होंगे या फिर इसके नीचे होंगे तो वो अनस्टेबल होंगे. वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे. तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर देखें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो जो भी है, अगर और न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे, अगर एन देखें न्यूमरेटर में, अगर और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो वो एलिमेंट्स कहाँ होंगे? इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर होंगे. तो यानी क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूक्लियस विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियाई जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स ज्यादा है एक्सेस में है. तो यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन्स एक्सेस में है तो यानी वो एलिमेंट स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर होंगे. अब क्या होगा कि वो जो एटम्स होंगे वो क्या इमिट करेंगे ताकि वो जो है वो स्टेबिलिटी बेल्ट पर आ जाए और वो स्टेबल हो जाए. तो क्या होगा कि अगर ये एलिमेंट्स जो है जो इसके ऊपर है तो अपना न्यूट्रॉन जो है वो कम करना चाहेंगे. तो उनका न्यूट्रॉन जब कम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएंगे? इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर. तो न्यूट्रॉन कम करने के लिए अब क्या होगा कि उन न्यूक्लियस का जो यानी न्यूट्रॉन है वो टूटता है. तो याद रखिए जो न्यूट्रॉन है वो ब्रेकअप होता है किसमें? उसमें से एक प्रोटॉन में मिलता है और उसके अलावा एक बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब टूटेगा प्रोटॉन और बीटा नेगेटिव में तो बीटा नेगेटिव तो इमिट हो जाएगा एटम से रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में हो जाएगा और बाकी जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में ही रहेगा. तो यानी हमसे पूछ रहा है कि एक्सेस अगर न्यूट्रॉन्स की हो किसी एटम में तो वो क्या इमिट करता है? तो हमने देखा कि अगर न्यूट्रॉन्स की एक्सेस है तो यानी वो एटम जो है उसमें अपना न्यूट्रॉन जो है वो तोड़ेगा और एक प्रोटॉन में हो जाएगा कन्वर्ट और एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल यानी दिस विल बी इलेक्ट्रॉन. तो बेस्ट ऑप्शन इज सी. तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 37. डैश इज डिफाइंड एज द सेंसेशन दैट साउंड प्रोड्यूसेस इन द ईयर ऑफ लिसनर एंड इज क्लियरली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. फ्रीक्वेंसी एंड डैश आर बोथ मेजर्ड इन हर्ट्ज, दस ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द डैश एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द डैश. तो आपको पता होगा कि साउंड की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी. तो पिच के बारे में ये सारा कुछ जो स्टेटमेंट है लिखी है कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से
रिलेटेड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यूनिट वगैरह सेम होते हैं। तो यानी सारे ऑप्शंस में हमें सेम ही वर्ड पुट करना है, क्या पिच। तो ऑप्शन लिखे हुए हैं ए बी सी डी, आप इनमें देख लें कि बी ऑप्शन में जो है वो एक ही वर्ड है, क्या पिच। तो यानी इसको स्टेटमेंट में क्या रखेंगे, पिच इज डिफाइंड एज द सेंसेशन दैट साउंड प्रोड्यूसेस इन द ईयर ऑफ लिसनर एंड इज क्लियरली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर बोथ मेजर्ड इन द यूनिट हर्ट्ज, दस ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द पिच एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर है 38। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय, ये फिनोमिना है पोलराइजेशन के, रिफ्लेक्शन, सेकंड है डबल रिफ्रेक्शन, नंबर तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो कौन से प्रोसेस से रोशनी को हम पोलराइज कर सकते हैं? तो पोलराइजेशन के लिए ये तीनों प्रोसेस यूज होते हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, डबल रिफ्रेक्शन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो यानी तीनों प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। और इसके अलावा जो चौथा प्रोसेस है जो हमारे कोर्स का ऐसा होता है, दैट इज अ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो उस तरीके से हम रोशनी को पोलराइज कर सकते हैं, वे लाइट इज पास थ्रू द पोलराइजर देन द वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड इन ओनली वन प्लेन। तो ये तीनों तरीके याद रखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रेक्शन बाय द लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम आपको याद करने हैं कि द रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकंड क्या होता है, अ रे विच इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और नंबर थर्ड वन जो होता है वो एनी रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो यानी यहाँ पर जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे या कन्वर्ज करेंगे। तो ए पॉइंट ए ऑप्शन में है कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो रे डायग्राम आपको याद होने चाहिए। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन है, इफ टू साउंड वेव्स हैव सेम वेवलेंथ इन एयर एट द सेम टेम्परेचर व्हाट अदर प्रॉपर्टी मस्ट दे आल्सो हैव इन कॉमन। तो याद रखें कि जब साउंड ट्रेवल करता है एयर में, यानी अगर मीडियम चेंज ना हो तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ तीनों चीजें सेम रहती हैं, और हाँ कंडीशन ये है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मीडियम सेम है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी में चेंज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या है कि उनकी वेवलेंथ सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू लेमडा इंट एफ, v वेलोसिटी है, लेमडा क्या है वेवलेंथ, और f क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देख लेते हैं नंबर 1, 2, 3 ये तीनों में से कौन सी चीज यानी एनी हाउ कॉमन होगी, सेम होगी। तो इंटेंसिटी की बात करें, साउंड जैसे ट्रेवल करेगा तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है, और एम्पलीट्यूड जो है वो भी इंटेंसिटी से रिलेटेड है, मतलब एम्पलीट्यूड भी कम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऑप्शन नंबर देखें, ए में क्या है 1, नहीं बी में क्या है 3 ओनली, यानी फ्रीक्वेंसी की बात है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट 1।